तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सिद्धार्थ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा कियारा अडवाणी संग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। हालांकि इस बीच उनकी अपकमिंग फिल्म योद्धा को लेकर अपडेट आया है। दिशा पाटनी और राशि खन्ना को स्टारर फिल्म योद्धा की रिलीज डेट सामने आ गई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन फिल्म योद्धा को अगले इस साल यानी 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन नवोदित जोड़ी पुष्कर ओझा और सागर आम्बरे ने किया है। फिल्म निर्माता करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और शशांक खेतान के मेंटर डिसिपल फिल्म ने इस फिल्म का निर्माण किया है। बता दें कि हीरू जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता और खेतान द्वारा निर्मित फिल्म में राशि खन्ना और दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। बता दें कि पहले फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट 7 जुलाई 2023 कर दी गई है। याद दिला दें कि इससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने धर्मा प्रोडक्शन की कई फिल्मों में काम किया है। सिद्धार्थ का धर्मा से पुराना नाता है, क्योंकि उनका डेब्यू ही इस प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुआ था। इसके अलावा वो धर्मा प्रोडक्शन की हंसी तो फंसी, कपूर एंड सन्स और शेरशाह में भी नज़र आ चुके हैं। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ की ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जो उनके करियर के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ था। बात सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपकमिंग प्रोजेक्ट की करें तो राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा के अलावा वो फिल्म मिशन मजनू में भी नज़र आएंगे। मिशन मजनू एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें सिद्धार्थ के साथ रश्मि मंदाना की जोड़ी बनी। इन दोनों फिल्मों के अलावा रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में भी नज़र आएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स का एक शूट क्लिप कुछ वक्त पहले रोहित ने शेयर किया था, जिससे एक्शन ने दर्शकों को एक्साइटेड कर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।